वेलकम दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल फैब्रिकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए और एक वीडियो ले आए हो। आज का वीडियो का टॉपिक है फैब्रिकेशन ड्राइंग विद चॉप। दोस्तों, आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या मैकेनिकल पर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है ड्राइंग का पिक्चर, मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये भी एक व्यू है और इसके बाद ये भी एक व्यू है और ये भी एक व्यू है। दोस्तों, व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। दोस्तों, यहाँ पे टॉप व्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रंट और साइड दोनों व्यू दिया हुआ है। दोस्तों ये है आइटम नंबर 2 का व्यू। ये है, देखिए दोस्तों, आइटम नंबर 2 मतलब ये है आइटम नंबर 2 का व्यू, ठीक है दोस्तों। और अब जो ये व्यू दिख रहा है, ये है साइड व्यू। और दोस्तों, ये जो दिख रहा है, ये है फ्रंट व्यू, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इस बार आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 में क्या क्या है हम लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखता है आइटम नंबर। देखिए दोस्तों, आइटम नंबर वन आइटम नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, प्लेट 25x200x373, ठीक है दोस्तों। इसका जो चाहिए एक पीस, वन पीस चाहिए। और दोस्तों, आइटम नंबर 2 में क्या है, प्लेट 50x228.2x322। दोस्तों, कितना पीस चाहिए, वन पीस चाहिए। तो दोस्तों, ये है आइटम नंबर 2 का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब देखिए इस पर कैसे इसको बिल्डअप करना है। तो दोस्तों, अब जो साइड में देखोगी तो ऐसे दिख पाओगी, मतलब साइड में देखोगी तो दोस्तों आप ऐसे दिख पाओगी, जो ऐसे आप व्यू का देखने में आपको सोच रहा है अब जो बहुत कुछ है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसे, ठीक है दोस्तों। मतलब सिर्फ ये और ये, ठीक है दोस्तों। इसमें बहुत सारे, इसमें ड्रिल होल है, इसके लिए इन दोनों लाइन है, ठीक है। बहुत इसमें और भी कुछ है, ये है, इसके लिए और भी एक लाइन है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ इसमें कैसे बिल्डअप। देखिए दोस्तों, आइटम नंबर 2 का ये है, मतलब ऐसे प्लेट को काटना है। दोस्तों, प्लेट को किधर से काटना है, कैसे मार्किंग करना है, सारे डायमेंशन दे दिया है। दोस्तों, ये प्लेट सिर्फ ऐसे 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 और इधर पे एक ड्रिल होल है दोस्तों, ड्रिल होल। दोस्तों, आप डायमेंशन को छोड़िए, डायमेंशन को बाद में आसानी से आप समझ जाएगा। आप पहले ड्राइंग को समझिए। देखिए दोस्तों, आइटम नंबर 2 का समझ लिया। और दोस्तों, आइटम नंबर 1 में सिर्फ प्लेट है। प्लेट दोस्तों, इस बार देखिए, ये व्यू में आप देखिए, ये है फ्रंट व्यू, मैंने पहले बोला ये फ्रंट व्यू, ठीक है दोस्तों। आइटम नंबर का आप देखिए, आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2, ठीक है दोस्तों। आइटम नंबर 2 में क्या दिखा, मैंने आपको दिखाया ये प्लेट है आइटम नंबर 2 का, ठीक है। तो आइटम नंबर 2 में मैं फ्रंट व्यू में आ गया। देखिए, आइटम नंबर 1 ये 50 का प्लेट है, मतलब आप एक साइड में लगा हुआ है तो ऐसे दिखोगी। और आइटम नंबर 2 को एक साइड से लगा दिया तो ऐसे दिख पाओगी, ठीक है दोस्तों। आप इधर भी फ्रंट व्यू में दिखता है कैसे, ठीक है। और फ्रंट में देखोगी तो आप ऐसे दिख पाओगी, ठीक है, आप ऐसे दिख पाओगी, ठीक है दोस्तों। और ये जो ब्लैक करके दिया हुआ है, ये कुछ नहीं, ये ऑयलिंग का सिंबल है। ऑयलिंग का सिंबल आप बाद में सोचिएगा, आप पहले ये सोचिए क्या आइटम नंबर को कैसे बिल्डअप करना है। और दोस्तों, ये कुछ नहीं दोस्तों, आप जो ये देखते हैं, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये ड्रिल होल है, ये ड्रिल होल के लिए ये दे दिया, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसको कैसे बिल्डअप करना है आप सोच पाती है दोस्तों, आप सोचिए जो इसको कैसे बिल्डअप करना है। मैं इसका जो बिल्डअप है मैं उसको दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाओगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये है उस जॉब का ड्राइंग, ठीक है। इसमें फिटिंग हो गया तो उसके बाद मैंने ये पिक्चर खींचा, तो देखिए ऐसे रहेगा, ठीक है। आप इसे जो साइड व्यू में मैंने दिखाया, ठीक है दोस्तों, आप पहले ये प्लेट का जो थिकनेस है, मतलब ये है एक नंबर आइटम और ये है 2 नंबर आइटम, आप अच्छी तरह और एक बार देख लीजिए। दोस्तों ये प्लेट है नंबर 1 आइटम और ये प्लेट है दोस्तों नंबर 2 आइटम। और दोस्तों, आप देखा ड्रिल होल है, इसके ड्रिल होल है, ठीक है। और ये थोड़ा ऊंचाई है,
मतलब थोड़ा ऐसे रहेगा, ठीक है। मैं इन दोनों पिक्चर को, ड्राइंग को एक साथ में ले आती हूँ आपके लिए। दोस्तों आप देखिए, मैंने दोनों पिक्चर को एक साथ में ले आया। देखिए दोस्तों, आप जब ये साइड से देखोगी और वरना ये साइड से देखोगी तो आप ऐसे दिख पाओगी या नहीं, और दोस्तों आप जब ये साइड से देखोगी या ये साइड से देखोगी तो आप ऐसे दिख पाओगी या नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर है, मैंने पहले बोला ये ऑयलिंग का सिंबल है, ये कुछ नहीं, ये आप बाद में सोचिए। आप ये देखिए जो इसका डील होल है, डील होल ड्राइंग में दिया हुआ है दोस्तों, ऐसे है। तो दोस्तों आप अच्छी तरह पूरे वीडियो को देखना। तो दोस्तों ऐसे आज का वीडियो था, तो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों। थैंक यू।